एमपी हाई कोर्ट ने एमपी सरकार पर सख्ती दिखाई, जुर्माना लगा दिया, जवाब भी मांग लिया और हाई कोर्ट की सख्ती नजर आई। किस मामले में ये भी बता दूं, पीएससी के जो रिजल्ट है उसको होल्ड करने के मामले को लेकर दरअसल ये सख्ती नजर आई है। पीएससी में 13% लोगों के रिजल्ट को होल्ड करने को लेकर हाई कोर्ट में डबल बेंच में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सामान्य प्रशासन विभाग पर सख्ती निकली। जवाब मांगा गया कि आपने जानकारी क्यों नहीं दी, क्या है ये मामला। मैं दरअसल आपको पूरी तरीके से बता दूं कि जबलपुर हाई कोर्ट में क्यों सुनवाई हो रही है इस मामले की और याचिका में क्या अहम बातें हैं जो कही गई है याचिकाकर्ता की तरफ से, तो वो भी सुन लीजिए। इस पूरे मामले में 50,000 का कॉस्ट यानी जुर्माना तो कोर्ट ने लगाई और जिन अधिकारी ने लापरवाही की है ये भी कहा गया कोर्ट की तरफ से कि राशि उन्हीं से वसूली जाए। आपको ये बता दूं कि याचिकाकर्ताओं ने ये याचिका दायर की थी, कहा गया कि प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई जन और इस पर सुनवाई के बाद ओबीसी वर्ग के लिए बढ़ाए गए आरक्षण पर रोक लग गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 87-13% वाला फार्मूला तैयार कर रिजल्ट घोषित कर दिया। इस फॉर्मूले को ऐसे समझिए कि 13% सामान्य और 13% ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के परिणाम होल्ड कर दिए गए। अब ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आई वो क्या है, पहले तो ये सुन लीजिए। उच्च न्यायालय ने दरअसल इसी को लेकर सख्ती दिखाई कि उनकी तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया और उनका ये भी कहना था कि होल्ड किए गए रिजल्ट की वजह क्या है जिसमें कोई जानकारी नहीं है और जो फॉर्मूला लागू किया गया है उसमें सूची प्रदेश जो पेश की गई वो किस आधार पर की गई है और क्यों होल्ड किया गया, रिजल्ट को क्यों होल्ड किया गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसमें यह कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग जवाब दे। चूंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर जवाब दिया नहीं तो आगे हाईकोर्ट जो है इस मामले में और सुनवाई करेगा जिसमें अहम फैसला हो सकता है, लेकिन उससे पहले सरकार के जवाब का इंतजार रहेगा कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट की नाराजगी इसलिए है कि पहले आरक्षण का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है ओबीसी आरक्षण का, उस आरक्षण की गाइडलाइन में हाईकोर्ट ने क्या रिजल्ट होल्ड करने को लेकर कहा था नहीं कहा था, उसी चीज को लेकर हाईकोर्ट ने यह सख्ती दिखाई है, मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। अब देखना होगा सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि मामला जो है अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है जिनका रिजल्ट होल्ड किया गया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार को इस संबंध में कहा है कि जानकारी दे। जबलपुर से आप तो खबर पहुंचाई धीरज शाह ने, आप देखते रहे अभी तक।